वेरी गुड. चलो शाहिद बाबर, आप दुआ करें ताकि हम शुरू कर सकें आज की क्लास. ए खुदावन यसु नासरी, तेरा शुक्र करते हैं तू जो जमीन आसमान का खालिक और मालिक है, रहीम है, करीम है। तेरी बरकत को, तेरी ए खुदम प्रेसनास ब्लेसिंग को, ए खुदम प्रेसनासरी तेरे बंदों पर, तेरे स्टूडेंटों पर मांगता हूँ। अपने नाम की खातर अपने ए खुदम प्रेसनास लोगों को अपने इलाही खजाने से इल्म मार्फत की एकदम तफीक दे, ताकि वो एकदम लोगों को सिखा सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। ऐ खुदम प्रेसनासी, जो लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो रहे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, वो भी ऐ खुदम प्रेसनासी तेरे कलाम को सीखे और ऐ खुदम प्रेसनासी तेरी एकदम शुक्र गुजारी कर सके और तुझे जान सके। और तेरी अग मिन्नत करते हैं अपने उस्तादों के लिए, खास तौर पर इन्हें समझ अकल दनाई बख्श, ताकि ये अच्छे तरीके से तेरे लोगों को सिखा सके। और सीखने सिखाने के सारे अमल को तेरे हाथों में देते हैं, अपने पाक लहू के वसीले से हमारी हिफाजत करना। जितने स्टूडेंट आ चुके हैं तेरा शुक्र करते हैं, जितने बाकी हैं या अगर कोई प्रॉब्लम्स है नेट पर की या कोई और प्रॉब्लम्स है, ऐ खुदावंद पिरेस नासरी वो तेरे नाम से आजाद हों और तेरे नाम को जलाल दे सके और सीख सके। बड़ी मदद करना यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। ओके, लास्ट टाइम वी फिनिश्ड अप विद द सर्मन ऑन द माउंट एंड वी नोटिस्ड at the end of that how the people recognized Jesus' authority. And we got to find the end of that. Okay. Yeah, people recognize the authority of Jesus as he taught. पिछली दफा हम लोगों ने जो है पहाड़ी वार से शुरू किया और उसके बाद हमने मुख्तलिफ जो है यीशु मसीह की खिदमत के पहलू देखे और आखिर में हमने देखा कि जो लोग हैं उन्होंने यीशु मसीह की जो अथॉरिटी थी, जो यीशु मसीह का जो प्यार था, उसका एक्सपीरियंस किया और उसको जाना। And then after that, we've got a couple of chapters that give several examples of the authority. और उसके बाद जो हमने और जो दो और जो chapters हैं, बाब हैं, जो यीशु मसीह की अथॉरिटी के बारे में, उसके इख्तियार के बारे में बात करते हैं। We don't have time to look at all these in detail, but we looked at these last time. Jesus cleansing a leper, healing a centurion servant, and healing other people, and then calming a storm, and then casting demons out of two men. और हमने पिछली दफा जो है ये देखा कि खुदा यीशु मसीह किस तरह कोड़ी को पाक साफ करते हैं और उसके बाद जो सुबेदार का जो नौकर होता है उसको यीशु मसीह जो है हील करते हैं और उसके वक्त उसको अपने ईमान का जो है इजहार करता है। यीशु मसीह पतरस की सास जो है उसको जो है शिफा देते हैं और यीशु मसीह जो तूफान है उसको रोक देते हैं और बुजुर्ग गिरफ्तार जो शख्स है उसको आजाद करते हैं। And we're going to go into chapter 9 and look at some other examples rather quickly. और हमने जो नौवें चैप्टर में देखेंगे कुछ और जो एग्जांपल्स हैं उनको बहुत जल्दी। And I just want to make you aware that this issue of Jesus' authority is an important emphasis all throughout the Gospel of Matthew. लेकिन मैं एक जो बात आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का जो इख्तियार है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील के अंदर हम हर जगह पर देखेंगे। So that connection between the end of chapter 7, where the people recognize Jesus' teaching as teaching with authority, and then these examples of his authority, that's an important connection. और जब हमने देखा कि जो हमने ये connection देखा है, जो राब्ता देखा है, हमने मकदस मत्ती के सातवें बाब के आखिर में जहां पर यीशु मसीह के इख्तियार की बात करते हैं, तो हम इसको देखते हैं कि इसका जो connection है इख्तियार का वो आइंदा चैप्टर्स के अंदर भी हम देखते हैं। That authority is not just in his confidence in the way that he says things, it's in what he does. और ये जो अथॉरिटी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो किस तरीके से जो है वो कहते हैं, बल्कि ये है कि वो क्या कुछ करते हैं। आपका किसी का जो ना ये आपका माइक ऑन है। Dr. Autry, you can mute it.
It's on the galaxy. Yeah, I got it. All right, very good. And of course, as you'll remember, the Great Commission is all about Jesus' authority. And that's at the very end of this gospel. All authority, Jesus says, has been given to me in heaven and on earth. और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि जब अरशाद आजम है जो खुदावंद जो है अरशाद आजम देते हैं और अरशाद आजम के अंदर यीशु मसीह सबसे पहले ये बात करते हैं कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार जो है वो कहते हैं मुझे दिया गया तो ये अख्तियार की बात जब सातवें चैप्टर से शुरू होती है तो बाप के आखिर जो पूरी किताब जो है मत्ती की उसके आखिर तक चलती है और ये एक ऐसा अख्तियार बताते हैं कहते हैं कि कुल आसमान का और जमीन का अख्तियार जो है वो उनके पास है And that's the authority with which he sends us out to preach the gospel and make disciples and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. और ये वही वाला अख्तियार है जिसके वसीला से हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जो अंजील की मुनादी करते हैं और लोगों को जो है खुदा उनकी बादशाही में लेके आते हैं So that's just a quick look ahead at the end of the gospel, but let's go back to chapter 9. Jesus heals a paralyzed man. His friends had brought him to be healed, but the first thing Jesus does is pronounce forgiveness of the man's sins. और अभी हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील के अंदर उसके जो नौवें बाब के अंदर यीशु मसीह के पास एक मफलूज को लेके लाया जाता है और इसी का जिक्र जो है मरकस की अंजील के अंदर लूका की अंजील के अंदर भी है और यीशु मसीह जो है उस शख्स को जो है सबसे पहले हील नहीं करते बल्कि उसके गुनाहों को माफ करते हैं And the scribes, the experts in the law, say this is blasphemy because who has authority to forgive sins except God? और जो जो शरीयत के जो होते हैं जानने वाले होते हैं जो शरीयत के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको इस बात का पता होता है कि गुनाह को जो है वो कोई शख्स जो माफ नहीं कर सकता बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा है जिसके पास ये इख्तियार है कि वो गुनाहों को माफ कर सके But Jesus says that the Son of Man, referring to himself, has authority to forgive sins, and he shows it by healing the man of his paralysis. और यीशु मसीह जो है वो बताते हैं कि जो इब्न आदम है उसको जमीन पर गुनाह अख्तियार करने का भी जो है वो इख्तियार है और ये इख्तियार वो इस तरीके से जो है लोगों को दिखाते हैं कि वो जो शख्स है जो मफलूज होता है उसको वो शिफा दे देते हैं So Matthew is giving us example after example after example of Jesus' authority. और जो मुकद्दस मत्ती की अंजील है हम देखते हैं कि हर एक पहलू में वो हमें एक नई मिसाल देता है कि जिसमें यीशु मसीह का जो इख्तियार है वो हमें नजर आता है And the next example that he gives is when Jesus calls him, Matthew, to be a disciple. And Matthew leaves his tax booth, and he's a tax collector, and he begins to follow Jesus. उसके बाद हम देखते हैं नौ आयत के अंदर नौ बाब की कि यीशु वहां से आगे बढ़कर मत्ती नामी एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे देखते हैं उसको कहते हैं कि मेरे पीछे आ और वो लोगों से टैक्स ले रहा होता है और वो बहुत एक बड़ा उसका जो जॉब होता है और उस जॉब को छोड़कर यीशु मसीह के कहने से उसके उनके पीछे आ जाता है Jesus then answers a question that's raised about fasting the disciples of John the Baptist are fasting but Jesus disciples at this point are not but Jesus answers their question उसके बाद जो है वो बात होती है कि जो यूहन्ना की अंजील है यूहन्ना के जो शिगिर्द हैं वो रोजा रखते हैं और यीशु मसीह उनको बताते हैं कि जब तक दूल्हा उनके साथ है उनको इसकी जरूरत नहीं है He says the reason his disciples aren't fasting is because the bridegroom is present and you don't have a fast while the bridegroom is present for the wedding और इसलिए यीशु मसीह बताते हैं कि जब शादी के अंदर दूल्हा खुद मौजूद होता है तो उस वक्त कोई जो है वो रोजा नहीं रखता यीशु मसीह उनके साथ थे इसलिए उस वक्त उनको रोजा रखने की जरूरत ना थी He does say that there will be a time later when his disciples after he's gone after Jesus has ascended और लेकिन उसके बाद यीशु मसीह बताते हैं कि लेकिन वो वक्त आएगा
कि मेरे जो शागिर्द हैं वो रोजा रखेंगे. And then the next example is really a remarkable combination of two miracles in the same story. और उसके बाद हम देखते हैं कि दो जो मौजजात हैं एक ही कहानी के अंदर वो हैं. While Jesus is on the way to this ruler's house where his daughter has died, while he's on the way, this other person comes up behind Jesus. This woman who's had a problem with bleeding for 12 years touches Jesus' garment and she's instantly healed. और उसके बाद जो है यीशु मसीह जो है एक सरदार की बेटी जो होती है उसको ठीक करने के लिए जा रहे होते हैं तो उसके रास्ते में ही एक और औरत होती है जिसको 12 बरस से खून जारी होता है और वो यीशु की पोशाक का किनारा छूती है और जिस तरह ही वो छूती है तो वो शिफा पाती है. Let me make a point about this woman touching his garment. As you know, the Jews had strict rules about this. This was against the law for her to even be coming in contact with other people. और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहूदियों के अंदर अगर कोई औरत जो है वो उनका खून अगर जारी होता है तो वो लोगों के अंदर नहीं आ सकते. यहूदियों के अंदर ये बहुत जो है strict किस्म का एक कानून है. Their understanding from the law was that if this woman is out in public and is even touching shoulders, bumping into people in the crowd, that her impurity might make them impure. और उनकी जो शरीयत के मुताबिक ये था कि ये जो औरत है जो जो इस वक्त नापाक है और वो जिस जिसको भी छू रही है वो सबको नापाक करती जा रही है. But when she touches the hem of Jesus' garment, maybe the tassel at the bottom. When she touches his garment, power comes out of him and she is made completely whole. और लेकिन हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के वो पोशाक का किनारा को छूती है तो एक फर्क चीज होती है वो ये होता है कि यीशु मसीह से ताकत निकल कर उस औरत के अंदर जाती है और उसको शिफा देती है. This is such an important gospel point. The purity and power of Jesus is greater than your impurity or my impurity. और ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है जिसको हमने समझना है कि यीशु मसीह की जो पाकीजगी है वो हमारी नापाकी से बहुत बढ़कर है और वो हमारी नापाकी को पाक कर देती है. And Jesus commends this woman for her faith. He says, "Your faith has made you well." और यीशु मसीह जो है उस औरत को कहते हैं कि जा बेटी तेरे ईमान ने तुझे ठीक किया. And then Jesus goes right on. The story continues, and he goes to the house where this 12-year-old girl has died. और उसके बाद जिस मकसद के लिए यीशु मसीह जा रहे होते हैं, यीशु मसीह उस 12 साल की बेटी के घर जाते हैं. जहां पर वो मुर्दा हालत में थी. And Jesus demonstrates his authority and power over death by raising this young girl from the dead. और यीशु मसीह वहां पर अपना इख्तियार जो है वो दिखाते हैं और यीशु मसीह उस जो लड़की जो 12 साल की होती है और उस इख्तियार को यीशु मसीह दिखाते हैं कि उनका मौत के ऊपर भी इख्तियार है और यीशु मसीह उस और जो लड़की को जो है वो शिफा देते हैं. And then I'll just quickly mention, as you see on the screen, the chapter ends with Jesus healing two blind men, and then he heals a demonized mute person. और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है एक बदरू गिरफ्तार लो शख्स को जो गूंगा जिसके अंदर गूंगी बदरू होती है उसको ठीक करते हैं. So, in summary, what I'm saying is Matthew has given us two full chapters. 8 and 9, which illustrate the authority of what Jesus had said in the Sermon on the Mount. और उसके बाद हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो कुछ जो है पहाड़ी वाज में किया, यीशु मसीह ने मत्ती हमें दिखाता है कि यीशु मसीह ने 8वें और 9वें चैप्टर के अंदर वो करके दिखाया और उन्होंने वो अख्तियार दिखाया कि उनका अख्तियार मौसमों के ऊपर भी है और उनका अख्तियार मौत पे भी है. Someone who has the authority to forgive sins, make storms stop, raise people from the dead,
cast out demons. He has the authority to speak powerful words that change our lives. और यीशु मसीह के पास ये इख्तियार था कि वो गुनाहों को माफ करते, वो मफलूज को जो है वो शफा देते, और यीशु मसीह के पास इख्तियार था कि वो मुर्दा जो लड़की है उसके अंदर जिंदगी डाल देते, उसके अंदर जान डाल देते, और यीशु मसीह के इख्तियार था बुजुर्गों के ऊपर, और यीशु मसीह के अल्फाज के अंदर जो था एक इख्तियार था, जब भी वो फरमाते थे तो जो कुछ भी वो फरमाते थे वो हो जाता था, क्योंकि उनके उनका हर एक चीज के ऊपर इख्तियार था, और यही इख्तियार की बात उन्होंने जो है वो पहाड़ी वाज में की है. And this is why I said, even before we began talking about the Sermon on the Mount, remember the one who teaches these things is the Savior. He's the healer. He's the deliverer. और आप जब हम ये बात करते हैं कि जो कुछ यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में हमें सिखाया है, तो आप हमेशा याद रखें कि जो सिखाने वाला है वही शिफा देने वाला है, वही बुजुर्गों से आजाद करने वाला है, वही मौत के मुंह में लोगों को से को निकालने वाला है. When Jesus speaks the high standards of living that are in the Sermon on the Mount, it's not to place a greater burden on us, it is to deliver us so that we can be what Jesus describes. और ये ऐसा ही है कि यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया है वो पहाड़ी वास में जो कुछ वो सिखाया वो इसलिए नहीं सिखाया कि हमारे ऊपर कुछ और ज्यादा प्रेशर डाल दें, बल्कि यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि हमें उसका इख्तियार इस्तेमाल करना है ताकि हम उसकी तालीम के ऊपर अमल कर सकें. All right, let's go on to chapter 10. आइए हम दसवें बाब में जाते हैं. The authority issue actually continues here because Jesus gives his apostles, 12, authority to go do the kinds of things they've seen him do. और जो यीशु मसीह जो है वही इख्तियार हम देखते हैं दसवें बाब में अपने शागिर्दों को देते हैं, और वो उनको ये इख्तियार देते हैं कि जो कुछ वो कर रहे थे अपनी खिदमत में ताकि उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उनके शागिर्द भी कर सकें. As we get to that chapter, you'll notice another place here where Matthew summarizes Jesus' ministry as teaching, preaching, and healing, and then tells us pray for the lost. और हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह की जो तालीम थी उसके तीन पहलू थे जिसमें वो तालीम देते थे, तबलीग करते थे और हील करते थे, और उसके बाद जो है यीशु मसीह जो है वो दुआ करते हैं उन लोगों को लिए जो खोए हुए. It's interesting to me that the command to pray for the lost is right at the end of chapter 9. And remember, Matthew did not put the chapter division in. The very next thing that happens is that Jesus authorizes his apostles to go reach the lost. और देखें यीशु मसीह जब ये जो है मुकद्दस मत्ती की इंजील लिखी गई तो उस वक्त कोई इसके बाप या इसकी कोई भी आयतें नहीं थी, लेकिन हम ये देखते हैं कि नौवें बाप के जो है आखिरी दो आयतों के अंदर यीशु मसीह जब हम दुआ करते हैं कि जो लोग खोए हुए हैं उनके लिए, तो ये एक ये जो हिस्सा है वो नौवें बाब के आखिर में आता है, और उसके बाद दसवें बाब में यीशु मसीह जो है वो इख्तियार लोगों को देते हैं ताकि जो लोग हैं वो यीशु मसीह के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो है यीशु मसीह का जो मिशन है उसको जारी रखें. So the prayer for the lost leads to the commission to send people to reach the lost. और जब हम जो है दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो खोए हुए हैं, तो उससे खुदावंद यीशु मसीह जो है हमें ये इख्तियार देते हैं ताकि हम उनके दरमियान जाकर जो है तबलीग कर सके, शिफा दे सके और उन्हें सिखा सके. So let's go and look at this chapter 10. We're just going to do this briefly. और हम दसवें बाब को जो है देखते हैं क्या यहाँ पर लिखा है. Jesus gives a first thing that he does is he names the 12 and gives them this authority. और सबसे पहले हम जो देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जो 12 जो शागिर्द हैं उनके नाम उनको देते हैं
और उसके बाद जो है उन रसूलों को जो है वो अख्तियार देते हैं. And if you look at that very first verse of chapter 10, he says he gave the 12 authority over unclean spirits. और हम दसवें बाब के शुरू में देखते हैं जहां पर लिखा हुआ है कि फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पलास बुलाकर उनको नापाक लोगों पर अख्तियार बख्शा. And as he sends them out, he tells them at this stage that they are to go just to the people of Israel. और यहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है उनको सिर्फ इतना बताते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो इसराइल के लोग हैं उन तक जाना है. Now, later, of course, they will go into the area of the Samaritans and the Gentiles. But at this stage, during Jesus' ministry, he thinks, start here at home. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है सिर्फ और सिर्फ उनको हुक्म देते हैं कि इसराइल में जाएं, लेकिन बाद में उनको हुक्म देते हैं कि वो सामरिया और यहूदिया बल्कि जमीन की इंतहा तक जाएं. लेकिन यहाँ पर दसवें बाब में उनको ये हुक्म नहीं दिया गया कि वो हर जगह पे जाएं. And he says in verse 8, heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, and cast out demons. और यीशु मसीह ने उनको बारह को ये हुक्म दिया कि मुर्दों को जिंदा करें, कोढ़ियों को जो है वो पाक साफ करें. And he also says, don't do this for payment. You receive freely from me, now give this freely. और यीशु मसीह ने उनको को कहा कि कोढ़ियों को पाक साफ करना, बुद्रुहों को निकालना, और उनसे कहा कि मुफ्त तुमने पाया है और मुफ्त ही देना. इसके इसके इव्ज जो है खिदमत के इव्ज जो है वो पैसे डिमांड नहीं करने. He goes on to tell them that there will be persecutions. और यहाँ से आगे बढ़कर वो बताते हैं यीशु मसीह के इस सब के अंदर आपको जो है वो परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी. But he tells them not to be afraid of people who can only kill your body. और यीशु मसीह उन्हें हुक्म देते हैं कि आप उन लोगों से ना डरो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जिस्म को मार सकते हैं. He reassures them down in verse 32 that if they acknowledge God and they acknowledge Jesus before people, God the Father will acknowledge them. और यहाँ 32 आयत के अंदर जो है यीशु मसीह जो है उन्हें बताते हैं कि पस जब कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा तो मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा, और जो कोई मेरा आदमियों के सामने इनकार करेगा मैं भी बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा. And in verse 34 through 39 he says this is going to cause some division, some disagreement among people, and just be prepared that not everybody's going to like what you say. और यहाँ पर जो है यीशु मसीह ये बताते हैं कि ऐसा करने से जो है लोगों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है उनकी डिवीजन हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी, और ये कोई एहसान नहीं है. Now he also says at the end of that chapter that whoever goes in his name receives a reward, and the person who supports that person, giving them even a cup of cold water, will also receive a reward. और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात वो कहते हैं कि जो कोई जो है इसको करेगा वो उसका अजर पाएगा, और जो कोई शख्स उस शख्स की मदद करेगा जो ताकि कलाम की खिदमत कर रहा है तो उसको भी अजर मिलेगा. Now, I went over that chapter carefully, but the main point I want you to take from that chapter is that what Jesus has been doing, he authorizes his disciples, that's us, to continue doing. लेकिन जो जरूरी बात मैं इस जो सब इस बाब के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की खिदमत के अंदर जो कुछ यीशु मसीह खुद फरमाते थे, करते थे, तबलीग करते थे, वो लोगों को सिखाते थे, टीच करते थे और हील करते थे, वो सब का सब अख्तियार जो है कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, हमने भी यीशु मसीह ने सब कुछ वैसा करने का इख्तियार दिया हुआ है. It's a great chapter to meditate on what it means to be a follower of Jesus who is also sent by Jesus to minister in his name.
और ये एक बहुत अच्छा जो है वो चैप्टर है जिसके अंदर हम जिसके ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं और जिसके अंदर हम गहरे तौर पर हम जान सकते हैं कि अगर आप इस पर आपको पढ़ें और हर एक हिस्से के ऊपर आप ध्यान करें कि किस तरीके से यीशु मसीह ने हमें इतना वैल्यूएबल किया है कि हमारे पास वो ही इख्तियार है जो उसके पास. But let's go on to chapter 11. We've got lots of other things we need to talk about in this book. और अभी हम जो है 11वें जो बाब के अंदर जो है कुछ और मजीद इसके बारे में देखेंगे. Now, John the Baptist was the one who had recognized Jesus as greater than himself. Remember when Jesus came to be baptized? और हम ये देखते हैं कि जो यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है जब वो यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है. But now John the Baptist has been put in prison and it's not looking so bright and optimistic for him. और यीशु मसीह जो वो यूहन्ना जो है इस बाब के अंदर हम देखते हैं कि उसको कैद में डाल दिया गया है. So he sends messengers to ask Jesus, are you really the Messiah? Are you the one? Or should we be looking for someone else? और वो यीशु मसीह के पास अपने शागिर्दों को भेजता है कैदखाने से और उसको कहता है कि क्या तू वही है या हम किसी और की राह देखें? I think we can be sympathetic toward John the Baptist. This is just a human weakness that we have is that sometimes in moments of darkness and things don't look very promising, we can have doubts even about what we used to be certain about. और हम क्योंकि ये यूहन्ना पर यहाँ पर हम जो है देखते हैं कि शुरू में जब यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह को पहचानता है और जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास जाते हैं तो यीशु मसीह को कहता है कि मैं तेरे पांव की जो जूती है उसको भी खोलने के लायक नहीं, उसके तस्मे को खोलने के लायक नहीं. लेकिन यहाँ पर ग्याना बाप के अंदर एकदम वो देखे जब वो जिस्मानी कमजोरी में है, वो कैद में है, वो परेशानी में है, तो वो दोबारा एक दफा यीशु मसीह को पहचान कर भी दोबारा एक ऐसा सवाल कर रहा है. वो कह रहा है कि क्या तू वही है जो आने वाला था या हम किसी और की इख्तियार किसी और की राह देखें? तो वो जानकर भी यीशु मसीह को दोबारा जो है वो यीशु मसीह को अंदर बारे में जो है वो कुछ डाउट रखता है. I find it encouraging that Jesus doesn't send the messengers back to John to say, you should be ashamed of yourself. You should continue to have that great faith you used to have. He doesn't send a message of condemnation to John. लेकिन हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उसके जब यूहन्ना के शागिर्द उससे ये पूछते हैं तो यीशु मसीह उसको जो है कंडेम नहीं करते, उनको ये नहीं कहते कि ओ यूहन्ना को तो शर्म करनी चाहिए, उसको तो पता था, उसने तो पहले खुद ही कहा हुआ था कि मैं जो हूँ वो मेरे बारे में जानता था, तो अभी ये किस किस्म के सवाल कर रहा है? And I think this is something we can learn a lesson from when we talk to someone who's having a struggle because of troubles that they are in. We shouldn't make their trouble worse by reprimanding them for not having more faith. और जो है अभी भी हम ये दरअसल यीशु मसीह हमें इस बात से ये सिखा रहे हैं कि जब भी हमारा कोई दोस्त या बहन या भाई है अगर वो किसी मुश्किल में है तो इसका मतलब है कि उसका जो है जब वो किसी मुश्किल में है उस वक्त हमारा जो एटीट्यूड है हमारा जो है हमारा हमें किस तरीके से अपने उस बहन और भाई को जो है वो संभालना है. Rather we should speak words to them that might help them have more faith. बल्कि हमें उनको इस तरीके से संभालना है ताकि जो है उसका ईमान जो है वो और मजबूत हो. But you don't help people have more faith by criticizing them and embarrassing them. Give them encouraging positive things to see. लेकिन आप किसी भी शख्स को जो है जब आप उसके अंदर से कीड़े निकालना शुरू कर देंगे तो तब आप उसको जो है किसी तरह की भी ज्यादा उसकी मदद नहीं कर सकते. लेकिन जब आप उसको इनकरेज करेंगे, आप उसको कहेंगे कि हाँ
جو ہے خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا تمہیں برکت دے رہا ہے, یہ صرف جو ہے وقتی طور پر پریشانی ہے, تو وہ لوگ, وہ جو شخص ہے وہ زیادہ جو ہے وہ برکت پائے گا. That's what Jesus does here with John's honest question. He says, go tell John what you see and hear in Jesus' ministry. See the healings. See the poor people receiving the good news of the gospel. اور یسوع مسیح جو ہے اس کو شاگرد کو اس کے یوحنا کے شاگردوں کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جو تم کچھ سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے, لنگڑے چلتے پھرتے, کوڑی صاف, پاک صاف کیے جاتے, اور بہرے سنتے, اور مردہ زندہ کیے جاتے ہیں, اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. In other words, he's saying, tell John God's at work in me, and he doesn't have to be told, yes, I am the one, or anything else. You just tell him what you see and hear is happening, and he'll be encouraged. Oh, دراصل جو ہے جو یسوع مسیح اس کے یوحنا کے شاگردوں کو یہ کہتے ہیں کہ صرف جا کے اس کو کہہ دو کہ دیکھو کہ اس شخص کے اندر, یسوع کے اندر خدا کام کر رہا ہے, اور دیکھو کس طریقے سے جو لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے آزاد ہو رہے ہیں. And then right after that, the messengers go back to John, and Jesus starts talking to the crowd about John the Baptist, and he has very positive things to say about it. اور اس کے بعد دیکھیں جیسے ہی اس کے شاگرد چلے جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ روانہ ہوئے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے. یسوع اسی وقت جو ہے وہ دوبارہ لوگوں کے ساتھ بھی یوحنا کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں. Jesus says in verse 9 that John is not just a prophet, he's greater than a prophet. اور یہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف نبی نہیں بلکہ نبی سے بھی بڑھ کر ہے. He says in verse 11 that among those born of women, that is to say among people, no one has ever been greater than John the Baptist. اور 11 آیت میں کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو عورتوں میں سے پیدا ہوئے ان میں سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوا. But then immediately Jesus bounces that by saying, yet the least in the kingdom of heaven is greater than John. اور لیکن اس کے بعد یسوع مسیح جو ہے وہ مزید ایک اور بات کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا ہے دراصل یوحنا سے بھی بڑا ہے, یعنی کہ وہ سب سے بڑا ہے. See, John is sort of the last of the prophets from the old era, the prophets who prophesied the coming of the Messiah. But Jesus is the Messiah, and he's bringing the kingdom itself in a way that John didn't. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا جو تھا وہ ایک ایسا آخری نبی تھا جس نے یسوع مسیح کے مسیح ہونے کی نبوت کی, اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خود مسیحا ہے. John baptized people for repentance, so did Jesus, but John did not, as far as we know, heal anybody, raise anybody from the dead, cast out demons, and walk on water. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اور یسوع جو ہے وہ دونوں لوگوں کو توبہ سے بپتسمہ دیتے تھے, لیکن ہم یسوع کی جو ہے اختیار کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح پانی کے اوپر چلتے ہیں, موسموں کے اوپر اختیار ہے, بدروؤں سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. Jesus also goes on to say that the people who resisted John and his message will also resist him and his message, because you just can't satisfy these self-righteous people who didn't respond to the message. اور یسوع مسیح, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی جو خدمت ہے اس کا ہم کوئی معجزہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن اس کی دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع یہ کہتے ہیں کہ جس لوگوں جو یوحنا کی جو خدمت ہے اس کو یسوع مسیح سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یوحنا آیا ہے توبہ کی منادی کرنے کے لیے, اسی طریقے سے جو ہے ابن آدم جو ہے وہ بھی آیا تاکہ لوگوں کو بچائے.
And then Jesus has some very harsh words to say, not about John, but about the cities and the people who have seen Jesus' miracle ministry and have hardened their hearts. لیکن اس کے بعد یسوع مسیح ایک دم بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ سخت الفاظ وہ یوحنا کے لیے نہیں بلکہ یسوع مسیح جو ہے 11ویں باب میں یہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں ان شہروں کے لیے, ان شہروں میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے بڑے بڑے معجزات اور کام دیکھے لیکن وہ ان کے اوپر ایمان نہ لائے. Jesus says, if the kind of miracles that you see happening as I go around ministering, if those kind of miracles had happened in Sodom, if they had happened in Tyre and Sodom and Sidon, those cities would still be prospering. اور یسوع مسیح جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ جس طرح کے جو کام جو ہیں اور جو ہیں اور جو معجزات جو ہیں وہ تمہارے شہروں میں ہوئے, اگر یہی معجزات ہیں سور و صدار کے علاقے میں ہوتے تو وہ لوگ ٹاٹ اوڑھ کر خاک میں بیٹھ کر توبہ کرتے. And basically what he's saying is that Capernaum, where Jesus had his headquarters, has so much greater privilege and opportunity to see the light and believe than people in Sodom and Tyre and Sidon ever had. اور یسوع مسیح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے کفرنہوم, کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا, تو عالم ارواح میں اترے گا, کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتے, مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم کے علاقے کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. The principle as it applies to us is the more privilege that we've had to see the power of God at work, the more responsible we are to be faithful, to be repentant of our sins, and to walk close to Jesus. اور یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنا زیادہ ہم خدا کے کام اپنی زندگی میں یا خداوند یسوع مسیح کی گواہی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ اتنی ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اتنا ہی زیادہ جو ہے خدا ہم سے پوچھے گا. I want to go to just the last part of this chapter 11. It's well known, this part, but I've got some points here that I really want to make for you. اور یہاں پر جو ہے جو چیپٹر 11 ہے اس کے اندر جو ہے جو میں ایک کچھ پوائنٹ اس کا جو آخری حصہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے میرے پاس آؤ اور آرام پاؤ, تو اس کے اندر میں کچھ جو پوائنٹس ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. And if you notice in verse 25 of chapter 11, Jesus is actually speaking directly to God. اور اگر آپ 11 باب کی 25 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا باپ سے بات کر رہے ہیں, اور لکھا ہے اس وقت یسوع نے کہا اے باپ, آسمان اور زمین کے خداوند, میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں دناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی. You notice that he calls God his father. اور یہاں پر دیکھیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں. He also calls him the Lord of heaven and earth. اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وہ ان کو وہ باپ کو کہہ رہے ہیں, خدا کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کے خداوند ہیں. And then in verse 26 he again calls God his father, and he's grateful that God the Father has made the kingdom visible to Jesus' disciples. اور یہاں پر پھر لکھا ہے کہ اے میرے باپ, وہ دوبارہ 26 آیت میں جو ہے خدا کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں. And then at the very end, these verses 27 and 20 through 30 sometimes have been called the lightning bolt from the Johannine skies, which means this sounds like the Gospel of John, what you read in verse 27 and following. اور جو آگے والا اس باب کا 27 سے لے کر 30 آیت تک کا حصہ ہے
तो जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको ये जो यूहन्ना ने जो लिख तहरीर किया हुआ है, यूहन्ना की जो अंजील है, ये उसकी मानिंद जो है उस तरह के अल्फाज आपको नजर आते हैं. This is the kind of emphasis you find a lot in the Gospel of John, that Jesus claims to have a relationship with the Father that nobody else has. और यूहन्ना जो है वो दरअसल यही कहता है कि यीशु मसीह जो है वो बताते हैं कि जैसा ताल्लुक उनका उनके बाप के साथ है वो किसी और के साथ नहीं है. लिखा है मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटे ने उसे जाहिर किया. If you want to know God as your father, you need to come through Jesus. और अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा बाप को जो है वो जाने तो आपको जो है वो यीशु के पास आने की जरूरत है. And he also says that the only one who really knows the Son is the Father. और वो कहते हैं कि जो दरअसल जो है बेटे को जानता है वो सिर्फ और सिर्फ बाप है. Jesus says something like that in John 6 when he says, no one can come to me unless the Father draws him. और हम देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाप में भी खुदावन्द यीशु मसीह इसी तरह की बात करते हैं कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि उसको बाप न भेजे. So Jesus is claiming for himself a unique relationship with God as Father that is available only to those who put their faith in Jesus and put their faith in the Father through Jesus. और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यीशु हमें ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जब यीशु मसीह को जानना चाहते हैं तो जो हमें बाप हमें ये जाहिर करता है और जब हम बाप को जानना चाहते हैं तो हम यीशु मसीह के जरिए से बाप को जानते हैं. So Jesus emphasizes there that there's just this one way to really know God. और दरअसल जो है यीशु मसीह हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे हम खुदा बाप को जान सकते हैं. But then right after that statement, which sounds narrow, he makes it very broad and he says, whoever will come to me, let him come. और लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ये जो स्टेटमेंट है इसको बहुत ज्यादा वसीह करते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ जो है जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है वो आए. So who is invited to come to Jesus? Well, anyone, if you're willing. और यीशु मसीह के पास जो है किसको जाने का अख्तियार है? मेरे ख्याल में हर एक को. And then these famous words, my yoke is easy, my burden is light, and you'll find rest for your souls if you come with me. और उसके बाद हम एक बहुत मशहूर आयत जो है वो नजर आती है, लिखा है कि ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा. Probably some of the most inviting and comforting words that we ever hear from Jesus directly to us. और ये एक ऐसे अल्फाज हैं जो सबसे ज्यादा जो है हमें हौसला देते हैं, जहां पर ये भी लिखा है कि मेरा जुबा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोख्ता हूँ. Oh, I'm going to go to chapter 12 before I start preaching on the end of chapter 11. और मैं नहीं चाहता कि मैं इसके ऊपर तबलीग करना शुरू कर दूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको 12वें सबक से भी कुछ बताऊं, 12वें बाप से भी बताऊं. In chapter 12, we start seeing more controversy between Jesus and the Pharisees. और यहाँ पर जो 12वें बाप के अंदर हम देखेंगे कि फरीसियों के दरमियान और यीशु के दरमियान जो अख्तलाफात हैं. They've already had disagreements about Jesus' authority, but authority now is going to be focused on how Jesus behaves on the Sabbath. और उनको पहले ही थोड़ा पता था कि यीशु मसीह के पास किस तरह का अख्तियार है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो सब्बत के दिन को बारे में जो अपना अख्तियार जाहिर करते हैं. Jesus' disciples are doing work in the minds of the Pharisees by taking the grains of wheat and rubbing them and getting the grains to eat. और हम देखते हैं
कि इस वक्त जो है सबत के दिन खेतों में से होकर वो जा रहे थे और उसके शिगिर्दों को भूख लगी और बालियां तोड़ तोड़ कर खाने लगे. And of course, the Pharisees are very, very careful about the Sabbath and not doing anything that would violate the Sabbath. और हमें पता है कि जो फरीसी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सबत के जो है उसकी उसकी जो है इज्जत देते हैं और वो उस वक्त जो है वो फौरन जो है इस बात को नोट करते हैं कि किस तरीके से उसके जो शिगिर्द हैं वो सबत के दिन जो है खेतों में काम कर रहे हैं यानी कि बालियां तोड़ रहे हैं. But Jesus gives them examples from the Old Testament about David eating bread that was technically illegal for him to eat. और यीशु मसीह जो है वो उनको दाऊद की मिसाल देते हैं पुराने अहदनामे से कि किस तरीके से जो दाऊद जो था उसने नजर की रोटियां ली और खाई हालांकि वो उसको खाना रवाना था. And of course the priests work in the temple on the Sabbath and they aren't considered guilty. और इसके बाद कि जो जो प्रीस्ट होते हैं जो कहन होते हैं वो भी तो सबत के दिन जो है वो हैकल में काम करते हैं तो उनको उनके ऊपर सबत का क्यों जो है इल्जाम नहीं आता. But then Jesus makes this amazing statement. He says someone or something greater than the temple is here, and that's in verse 6. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो है एक ऐसी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं तो वो ये कहते हैं छठी आयत में मैं तुमसे कहता हूं कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है. This is actually a claim to authority which Jesus then makes explicit when he says in verse 8 the Son of Man, talking about himself, the Son of Man is Lord of the Sabbath. और यही जो बात है यीशु मसीह आगे जाके आठवीं आयत में उनको समझाते हैं कि जो इब्ने आदम है वो सबत का भी मालिक है. Who has the greatest authority to interpret the meaning of the Sabbath? और यीशु मसीह उनको ये बता रहे हैं कि तुम्हें सबत के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से कौन समझा सकता है, सिर्फ वही शख्स जो कि यीशु मसीह है और जो सबत का मालिक है, वही जानता है कि सबत का जो असल मतलब है वो क्या है. Basically, Jesus says, I have the authority to interpret what the Sabbath really means. और यीशु मसीह उनको ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सबत का मतलब क्या है. But he also tells the Pharisees that they need to know their Bible better. He says, you haven't really understood Hosea 6:6. और दरअसल जो है यीशु मसीह उनको ये बता रहे हैं कि तुम्हें अभी तक जो है तुम्हारी जो बाइबल है उसके बारे में समझ नहीं है. उनको बताते हैं कि होसिया की किताब 6 बाब उसका 6 आयत क्या कहती है. Now this is in verse 7 of Matthew 12. और यही जो है हमें मुकद्दस मत्ती की अंजील के अंदर उसके 12 बाब की 7 आयत में मिलता है. But if you glance back at Hosea 6:6, God says to Israel, I desire love or steadfast love or mercy, it could be translated, and not sacrifice. I want you to know God rather than just know how to make offerings. और ये जो है यही बात जो होसैया के अंदर जो है 6 बाब के 6 आयत के अंदर वो मत्ती 12 बाब की 7 आयत में है जहां पर ये लिखा है कि लेकिन अगर तुम उसके मायने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते. Here's another way of saying it. What matters to God and God's heart is more important than how careful you are about your rules. और दरअसल यहाँ पर जो है कलाम हमें ये कर बता रहा है कि जो खुदा को पसंद है जो खुदा के दिल को पसंद है वो उन तमाम शरीयत से बहुत बढ़कर है. And in God's eyes, mercy is more valuable than sacrifice. और लेकिन और खुदा जो है उसकी नजर में जो रहम है वो कुर्बानी देने से ज्यादा बेहतर है. In other words, the Pharisees would sacrifice and maybe
deny themselves all kinds of things on the Sabbath, thinking that that would please God, and then they turn around and don't show mercy to people who are hungry. और दरअसल यहाँ पर वो ये उनको बता रहा है कि जो फरीसी जो हैं वो बड़ी जबरदस्त कुर्बानियां देते हैं, बड़ा कुछ खुदा के लिए करते हैं, लेकिन वहां पर वो लोग जो भूखे हैं, जो गरीब हैं, वो उनके ऊपर रहम नहीं कर रहे, तो खुदा को उससे कुर्बानियों की कोई जरूरत नहीं कि अगर किसी को कोई वो गुर्बत नजर नहीं आ रही, वो भूखे लोग नजर नहीं आ रहे, तो खुदा ऐसी कुर्बानियों को कोई भी पसंद नहीं करता. I still remember how I reacted the first time I saw a teenager come into our church wearing a baseball cap. मुझे अभी भी याद है वो वक्त के जब एक जो बच्चा था वो हमारे क्लीसिया के अंदर एक बेसबॉल की जो कैप है वो पहनकर आया. Yeah, I know we have different values in our cultures about, you know, what is appropriate to have on our heads. But in my mind, it was totally wrong for this teenage boy to have a baseball cap on in the church. और मुख्तलिफ जो cultures हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन जो मेरे दिमाग में ये बहुत गलत था कि एक बच्चा जो है वो चर्च के अंदर उसने कैप पहनी हुई है. And when I saw this teenage boy with the cap on, I wanted to walk up and knock the cap off of his head. और जब मैंने उसको देखा कि उस बच्चे ने जो है वो जो है कैप पहनी हुई है, तो मेरा दिल किया कि मैं जाकर उसकी कैप को उतार दूं. I wanted to rebuke him. मैं चाह रहा था कि मैं उसको सबक सिखाऊं. But the Lord stopped me. लेकिन खुदा ने मुझे रोका. And told me inwardly, I heard this voice. और मुझे बताया और मैं शुक्र करता हूं कि मैंने खुदा की आवाज को पहचाना. Be grateful that he is here. खुदा ने मुझे कहा कि तुम्हें इससे ही खुश होना चाहिए कि ये एक बच्चा जो है वो यहां पर खुदा का कलाम सुनने के लिए आया हुआ है. Don't drive him away by being judgmental. और खुदा ने उसको मुझे सिखाया कि मैं उसको ऊपर जो है वो जजमेंटल बनकर जो है मैं उसको इस बात से रोक दूंगा कि वो दोबारा इस जगह पर वापस आए. Now, don't misunderstand me. I think there might be a time when I could give some instruction and instruct him in a better way of behaving in the house of God. और ये शायद है, ऐसा भी है कि मैं शायद ये भी चाहता था कि किसी और वक्त के मैं उसको सिखाऊं कि खुदा के घर के अंदर जो है वो हमें किस तरीके से जो है वो आना चाहिए. But if my first impulse is to think of my set of rules rather than the needs of this person, then that impulse is like the Pharisees. और अगर मैं पहले ही दिन जो है उसके ऊपर जितने भी हमारे कानून थे कलीसिया के वो उसके ऊपर लगा देता, तो मैं उन फरीसियों की तरह ही होता कि जो ये नहीं देख रहे थे कि पहले उस शख्स को आने की जरूरत है और उसके बाद जो है वो खुदा के जो कानून है उसको समझने की जरूरत है. If I had knocked that hat off his head and spoken a harsh word of rebuke, that boy might never have come back to church. और अगर मैं जाकर सीधा उसकी टोपी जो है वो उतार देता और शायद इस मेरी हरकत की वजह से वो बच्चा दोबारा कभी भी किसी कलीसिया के अंदर ना जाता. So I would have made a sacrifice out of him rather than showing him mercy. और मैंने जो है जो उसको मैंने उसके ऊपर एक मैंने जो है एक ऐसा काम किया जो खुदा जो था मुझे सिखा रहा था कि खुदा ये जो चाहता था कि जो रहम जो है वो जो है किसी तरह की कुर्बानी से ज्यादा बेहतर है. Again, this doesn't mean that we shouldn't have the right kind of decor, that we should dress inappropriately. We should, but we should always value that person more than we value our rules. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्लीसियों के अंदर जिस तरह के मर्जी कपड़े पहन के जाएं या किस जो मर्जी करें. दरअसल जो है बात ये है कि हमारी जो रूल्स हैं वो किसी की भी रूह से ज्यादा जो है बढ़कर नहीं है.
So if someone needs to be corrected, they should be corrected with gentleness and kindness. और अगर हम चाहते हैं कि हम किसी को समझाएं, तो हम दुरुस्त वक्त देकर बड़े प्यार से और अच्छे तरीके से उसको समझाएं. Well, this dispute about the Sabbath with the Pharisees continues in this chapter. और हम इस पूरे जो है चैप्टर के अंदर जो देखते हैं कि जो सबत के बारे में जो है वो उनके साथ जो फरीसियों के साथ यीशु मसीह की जो है बहस और तकरार. Jesus is in the synagogue and there's a man with a withered hand. He can't even use his hand. और यीशु मसीह जो थे वो उनके इबादतखाने में थे तो एक शख्स जो था जिसका हाथ सूखा हुआ था या मफलूज था वो वहां आया. Now, Jesus knows what he's going to do and the Pharisees seem to expect that Jesus will heal this man. और यीशु को भी पता था कि वो क्या करने को है. और फरीसी भी चाहते थे कि वो सबत के दिन इस शख्स को जो है वो जो है शिफा दे. Because they ask in verse 10, is it lawful to heal on the Sabbath? Isn't that work? और जो दसवीं आयत के अंदर कहता है, लिखा है कि और देखो वहाँ एक शख्स था जिसका हाथ सूखा हुआ था और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया और पूछा कि क्या सबत के दिन शिफा देना जो है वो रवा है. But Jesus turns the point of view around when he says, well, if you had a sheep and your sheep fell into a pit, even on the Sabbath, wouldn't you get it out? और यीशु मसीह जो है वो एकदम उनके जो बात का जवाब जो है एक मिसाल से बड़े बड़े दूसरे तरीके से देते हैं. कहते हैं कि अगर तुम्हारी एक पास एक बेड़ है और अगर वो एक बेड़ जो है वो सबत के दिन जो है गड़े में गिर जाओगी तो क्या तुम उसको गड़े से निकालोगे और बचाओगे? Of course you would. That would be heartless to leave the sheep in the pit until tomorrow. और ये हाँ दरअसल हर कोई शख्स जो है अगर कोई गड़े में जो है बेड़ गिरी हुई है तो उसको निकालेगा क्योंकि सारी रात और दिन जो है आप किसी बेड़ को किसी गड़े में नहीं पड़ा रहने दे सकते. And besides that, the sheep has some value. उसकी वजह ये है कि जो शीप जो है उसकी कोई ना कोई जो बेड़ है उसकी कोई ना कोई कदर है. But Jesus says in verse 12, this man has far more value than a sheep. और यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि ये जो शख्स है इसकी इस बेड़ से बहुत ज्यादा जो है वो कदर है. So to do good on the Sabbath is lawful. और अच्छी नेकी करना जो है सबत के दिन वो जो है वो ठीक है दुरुस्त है. So he told the man to stretch out his hand and the man was healed. और यीशु मसीह जो है उस शख्स को कहते हैं कि अपना हाथ बढ़ा और उसका जो हाथ जो है वो ठीक हो जाता है. He probably went home rejoicing. और वो जो है बड़ी खुशी के साथ जो है वो अपने घर रवाना होता है. But verse 14 says the Pharisees went out and started conspiring on how they could destroy Jesus. और हम देखते हैं कि उसके बाद जो है फरीसी जो है वो बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा करते हैं कि किस तरीके से उसको हलाक करें. Were they happy that the man had been healed? क्या वो खुश थे कि वो आदमी जो है जो जिसका हाथ सूखा हुआ था उसने शफा पाई? No, they were more upset that the rules had been broken. और वो जो थे वो बहुत ज्यादा जो हुए वो अपसेट हो गए थे क्योंकि वो उनका जो वो इस लिहाज से देख रहे हैं कि सबत का जो कानून है वो टूट गया है. Jesus has this kind of controversy about healing on the Sabbath several times in the Gospels. और हम देखते हैं कि काफी मर्तबा यीशु मसीह ने लोगों को सबत के दिन तंदुरुस्त किया और लोग जो थे वो ये कहते थे कि सबत के दिन तंदुरुस्त करना जो है वो रवा नहीं है. Jesus would say it's better to give life or to make life better for someone than it is just being so concerned about the rules. यीशु मसीह दरअसल हमें ये सिखा रहे हैं कि किसी को जो है जिंदगी देना या किसी की जिंदगी जो है वो बेहतर करना वो कानूनों से बहुत बढ़कर है. After this there's a paragraph or so where Jesus is healing many people. और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो बेशुमार लोगों को ठीक करते हैं. And Matthew
shows from this Isaiah passage how Jesus' ministry fulfills Isaiah 42. और यीशु मसीह जो है वो यशाया की जो 45 आयत से जो है अब एक उनको वो रेफरेंस देते हैं. And Brother Kenneth, if you have that open, could you read those verses 18 through 21? Yeah. Thank you. लिखा है फिर ये मालूम करके वो वहां से रवाना हुआ. 12 बाब की 15 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, मुकद्दस मत्ती की इंजील 12 बाब उसकी 15 आयत से. फिर ये मालूम करके वहां से रवाना हुआ और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सब को अच्छा किया. और यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं वो यहाँ शुरू हो रही है और उनको ताकीद की के जाहिर ना करना ताकि जो यशाया नबी की मार्फत कहा गया है वो पूरा हो के देखो ये मेरा खादम है जिससे मैंने चुना मेरा प्यारा जिससे मेरा दिल खुश हुआ मैं अपनी रूह उसमें डालूंगा और ये गैर कौमों को इंसाफ की खबर देगा ये ना झगड़ा करेगा ना शोर ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी ना कुचला हुआ सरकंडा को तो ना तो और ये कुचले हुए सरकंडा को ना तोड़ेगा और धुआं उठते हुए सन को ना बुझाएगा जब तक इंसाफ की फतह ना करे और उसके नाम से गैर को में उम्मीद रखेंगे. थैंक यू. There are several words that are important in that quotation. The Spirit of God. और इसके अंदर जो है बेशुमार जो अल्फाज हैं वो ज्यादा जरूरी हैं जैसे खुदा का रूह. The Gentiles are mentioned twice there in that passage. और तकरीबन गैर कौमें जो है तकरीबन दो मर्तबा उनका जिक्र हुआ है. But the verse that's most important in this context is verse 20. और जो सबसे ज्यादा जो जरूरी जो इस बाब के हिस्से के अंदर जो आयत है वो है 20. Because this says that God's servant won't be going around breaking off things that are already bruised. He won't be putting out lights that are almost about to go out. Instead, as God's servant, Jesus goes around healing the wounded and bringing new light into people's lives. और ये आयत जहाँ पर ये लिखा है कि कचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा कि जो लोग आगे ही दुख और तकलीफ में हैं और जो परेशानियों में हैं उनके साथ ना कुछ करेगा बल्कि ये जो खुदा का खादम है ये हर जगह पर इंसाफ और शफा और मोहब्बत लेके आएगा. That's another way of saying that the servant of the Lord Jesus and we, if we are servants of the Lord, that we look for ways to show mercy and bring healing to people who are hurting. और ये इसी तरीके से है कि हमें पता है कि जो यीशु जो है वो खुदा के खादम है और वो हर जगह पर जो है इंसाफ और मोहब्बत और शफा और लेके जाते हैं और हम भी जो खुदा के खादम हैं हमें भी ऐसा ही करना है कि हमें हर जगह पर जो है शफा और इंसाफ और मोहब्बत लेके जानी है. The Spirit anointed servant of the Lord has a heart for healing. और जब रूह ने जो है वो खुदा के खादम को मसा किया तो उसके अंदर जो है वो रहम और शफा देना आ जाता है. That's what we rejoice in. We rejoice when someone is healed, not when someone is destroyed. और इसलिए हम खुशी मनाते हैं इसलिए नहीं कि जब कोई तबाह हो जाए बल्कि इसलिए जब किसी को शफा मिले. All right, let's go into the next section where there's more controversy between Jesus and his opponents. और हम अगले हिस्से में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यीशु के जो मुखालफीन हैं और यीशु के दरमियान जो है और ज्यादा मुखालफत बढ़ती है. A demon oppressed man who's blind and mute is brought to Jesus and Jesus delivers him and heals him. और एक जो शख्स जो बदरू में गिरफ्तार था
वो यीशु के पास लाया जाता है और यीशु मसीह जो है उसको शिफा देते हैं. And of course, this is just one more in many miracles that Jesus has done. But now people are beginning to ask, can this be the son of David? Is this the Messiah? और जब यीशु मसीह इस तरह के बहुत बड़े मौजजात कर रहे थे, तो लोग जो थे वो हैरान हो गए और ये कहना शुरू कर दिया कि क्या ये इब्ने दाऊद है, या इब्ने दाऊद का मतलब कि क्या ये मसीह है? And of course, the very suggestion is alarming to the Pharisees. और जब ये बात हुई तो एकदम जो फरीसी थे वो एकदम सुन हो गए. So the Pharisees have their own explanation. They say, oh yeah, he cast out demons. They couldn't deny that Jesus cast out demons, but they say the reason he can cast out demons is because he has a bigger demon. और जो फरीसी जो हैं, जब उनको नजर आता है कि लोग जो है उसको मसीहा बनाना बट उसको मसीह उसकी मसीहत को जान चुके हैं, तो वो लोगों को ये कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये शख्स बदरुओं को तो निकाल देता है, लेकिन ये आप देखें कि ये कैसे निकाल रहा है, ये बदरुओं को बदरुओं का जो सरदार है उसकी मदद से निकाल रहा है. Well, Jesus points out that is absurd. That would mean that Satan's house is at war with itself, and so let's just stand back and watch it collapse. और यीशु मसीह उसको बताते हैं और यीशु मसीह उनके ख्यालों को जान कर उनसे कहते हैं कि जिस बादशाह में फूट पड़ जाए वो हैरान हो जाती है और जिस शहर या घर में फूट पड़ जाए वो कायम ना रहेगा और अगर शैतान ही शैतान को निकाले तो वो आप अपना मुखालिफ हो जाएगा फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी. Jesus has the right explanation for his power.